हेलो गाइस, सो हम आ रखे हैं दिल्ली वाली बातचीत। शॉपिंग करने चलते हैं। आशिका ने क्या क्या शॉपिंग किया देख लो गाइस, पूरा बैग भर गया है, मतलब अरे, और इस पूरा नीचे तक भरा हुआ है। और आशिका ने इतनी शॉपिंग की, गेस करो गाइस मैंने क्या खरीदा होगा। क्या खरीदा आशिका मैंने? एक 50 रुपए की गले की चेन और 6 pairs of socks। हम लोग बात कर रहे थे कि दिल्ली में ऐसे बहुत ज्यादा बड़े बड़े घर एंड एक के ऊपर एक ऐसा है, यहाँ पे बहुत ऐसे हाइट छोटा है। हाँ, मुंबई में जैसे फ्लैट होता है बट बड़े बड़े टॉवर्स बिल्डिंग्स होते हैं, यहाँ पर नहीं है वैसे। तो मैं इसको बोल रही थी कि यार यहाँ पर बहुत अलग है, तो मुझे पता है हाँ यहाँ के मेरे यहाँ के बिलासपुर के ऐसे होते हैं। मैं बोला चलो यार मतलब सही है। तो ये माशा बोल रहा था कि नहीं यार मेरा घर तो भी छोटा है। मैं बोला कितना कितना है, क्योंकि मोस्टली ऐसे ही होते ना। तो बोलता है अरे नहीं अरे यहाँ पर कैसे एक के ऊपर एक है ना, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होते। हमारे यहाँ डायरेक्ट जमीन खरीद के ऊपर घर बांध देते हैं। तो ये मुंबई में जिस 3 वाले के बिल्डिंग बोलते हैं हम, उसको ये बोल रहा है, क्या बोल रहा था, छोटा घर। बोलते हमारे 3-3 फ्लोर के बिल्डिंग होते हैं और यहाँ के 3-3 फ्लोर के एक एक घर होते हैं। सो वाशु, 30 सेकेंड्स में तू जो भी उठाएगा वो मैं तेरे लिए बाय कर लूंगी एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। भाई जल्दी ब्रो, ओनली 10 सेकेंड्स लेफ्ट। 10 भाई कितना चूजी हो रहा है। 10 सेकेंड्स लेफ्ट, 5 4 3 2 1 स्टॉप। भाई तेरे को पता है अगर मुझे ये अगर मुझे ये चैलेंज मिलता मैं पूरा हाफ दुकान उठा लेती। तूने 2 कपड़े उठाए हैं। What is this? मेरे को ये भी पसंद नहीं आया, उठा लिया। Hi guys, I had an intense session at the gym today. Came home and took a long shower and I'm feeling fresh now. So, with all the stress around, I try to keep myself sane physically and mentally by working out. It's my mantra for the healthy well-being. But did you know, our skin is constantly under stress too. Due to daily exposure to pollution, UV rays and of course the fast-paced lifestyle that all of us have, our skin produces oxidative stress which causes the most common skin problems including dark spots and dullness which alters the natural brightness of the skin. But you know the best way to get out of these problems? Just sleep it out. Yes, you heard me right. Our skin repairs itself while we are sleeping. It's the best time to get rid of the oxidative stress which accumulates during the daytime. All it takes is a potent pure vitamin C. I use one from the Garnier as it has 10% of pure vitamin C which reduces oxidative stress in my skin by 76%. I could see the brighter skin from the first morning of the use. It has reduced the reappearance of those stubborn dark spots. Amazing, isn't it? Head to Nykaa now and buy it at a discounted price. Don't let the stress dull your skin, because when your skin looks good, you feel good. That's enough for the day. I'm signing off for the day to get a good sleep. See you all soon. Oh, bhai. Vashi. Wow. Hey. अच्छा तो पता नहीं आशिका ना अभी जस्ट नहीं थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। जस्ट मैंने रूम बंद किया और देखा कि किचन में थी, पर किचन के बाद पता नहीं आशिका कहाँ है, दिख नहीं रही है। पर्दे का व्यू एक तो कैसा है। अच्छा और किचन से आवाज आ रही थी, फिर मैंने किचन में आके जो देखा, भाई क्या बना रही हो आप? चाय। वाह वाह वाह, चाय बना रही है। और व्यू देखो गाइस बाहर का, किचन से व्यू ऐसा। Oh, what a view!
कितना सुंदर लग रहा है। वाशु आराम से चलो मनाली घूमने। क्या हम जा रहे हैं मनाली घूमने। वाओ ये वो गार्डन है जहाँ आशिका ने मुझे अलग कर दिया था दूसरे कैंपस से। ओह ये है, ये वही गार्डन है गाइस जहाँ पर हमारा काम। ओह या गाइस ये वो गार्डन है जहाँ पर ये सब एनिमल्स गैंग्स वाइप वाला टास्क और गैंग्स वाइप वाला टास्क। ओह शिट यार। हेलो गाइस, सो हेलो, मतलब यही एरिया था जहाँ पर हम सबको छुपाया हुआ था और जहाँ मुझे अपनी गैंग से अलग कर दिया गया था। किसने किया? किसने किया? बदतमीज इंसान। याक। वाव कितना अच्छा लग रहा है ना ये। क्यों याद आ गई ये जवानी हरी वानी। के जवानी है दीवानी। कई आशिकों को देख लो हिमाचली बन गई है। देख लो एक दिन हुआ नहीं हिमाचल आए, अब मेरे को समझ हिमाचली समझने लग गई। और आशिका भाई सिद्धू ले लो, सिद्धू ले लो, थारा भाई जोगिंदर स्पेशल सिद्धू, जोगिंदर शर्टलेस सिद्धू, सिद्धू ले लो। कैसा लग रहा है? लो अच्छा मतलब कौन सा सिद्धू बेस्ट है? अपन ने जो बनाया था, अपन ने जो बनाया था वो ज्यादा बेस्ट था। कैसे लगी पानी पूरी? बहुत ही टेस्टी। वाह वाह वाह। सो आशिका ने अभी थोड़ी सी शॉपिंग करी है यहाँ से। माय मॉइस्चराइजर गाइस, इसने पता नहीं चावल का मॉइस्चराइजर खरीदा है, बताओ। और वो भी 1000 रुपए का। चावल हम खाते हैं वो भी 100 रुपए के भी नहीं। और ये आ गई भाई 8-in-1 आइसक्रीम। वाह 8-in-1 स्ट्रॉबेरी। क्या लगता क्या है? सो गाइस अभी हमारी शॉपिंग बहुत सारी हो गई है और अब लगी है भूख। अब भूख लगी है और हम आ गए हैं बढ़िया से फार्स रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है चॉपस्टिक। बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है कभी कभी चलता है। 1400 का सूप। मेरी चॉइस किस पे चीज की हो? ये अशिका तो दिख ही नहीं रही थी। हेलो गाइस, सो दिस इज P2 इन मनाली एंड अभी सुबह के 11 बज रहे हैं एंड जो बाहर का व्यू है ना वो कुछ ऐसा है। वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, बड़ी ब्यूटीफुल है। एंड सुबह सुबह मुझे लगी है अभी भूख, तो भूख लगी है तो भूख मिटाने के लिए मैं बना रहा हूँ नूडल्स। पता नहीं कहाँ के हैं, इंडिया के तो नहीं है। अभी जाएंगे हम उन पहाड़ों में बर्फ के बीच में, तो बस भाई समझ जाओ इसकी माँ का मजे ही मजे। क्या भुट्टे का आ रही है भुट्टे अकेले अकेले। सच बात है कि लड़कियों को ठंडी नहीं लगती। अरे मुझे भाई साहब मैं इसका भुट्टा देखता रहूंगा, तुम तब तक व्यू देखो गाइस। क्या व्यू है यार, कभी आ रही है और जा रही है। अभी हम जा रहे हैं अटल टनल के पास तक, जहाँ अभी आंटी ने हमें बताया वहाँ मिलेगी बर्फ। इन्होंने यहाँ फिसल पट्टी बना दी है, सही फिसल पट्टी बनाई। लग रहा है कि 1 साल पहले यहाँ ही थी, बस बर्फ नहीं थी और वो ही जगह। और इस बार बर्फ ही बर्फ देख लो गाइस। लग रहा है कि वापस से हम रोडीज में आ गए, बस वही जगह है, बस बर्फ ही बर्फ है हर जगह। मेरा मुंह जम गया है। नहीं नहीं देख मेरे को मारेगी, गिर जाएगी। देखा देखा देखा, देखा। आशिका नहीं
अब मेरी बारी। फोटो निकाल, फोटो निकाल रो, निकाल रो, मार मत। फेंक उसको। मैं यहाँ ही रख रही हूँ, फोटो निकाल रो। भाई दिस इज लुकिंग टेस्टी, टेस्टी। अब ले लूं।